हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास डाई कंपनी की i10 मेगना आई हुई है। तो फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको बताएंगे। जो मिरर है ये ऑटोमेटिक है, तो इसको क्या जब हम बंद करते हैं, देखिए बटन से जब बंद करते हैं तो एक साइड का बंद होता है, एक साइड का बंद नहीं होता है। ये देखिए, बंद कीजिए, वो देखिए हमारा लेफ्ट साइड का काम कर रहा है लेकिन राइट साइड का कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ अंदर मोटर वैसे ही घूम रहा है। देखिए हमारा, ये देखिए राइट साइड का हमारा सिर्फ मोटर वॉच कर रहा है, इसका साउंड सुन सकते हैं आप, देखिए। ठीक है फ्रेंड, तो हम इस मिरर को ओपन करेंगे, बाहर निकालेंगे और एक बार चेक करेंगे कि इसके मोटर का अंदर का क्या प्रॉब्लम है, स्लिप हो गया है, क्या हो गया है। ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं फ्रेंड, इसको मिरर को ओपन करने के लिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर का जो कैप है वो कैप निकाल लीजिएगा, ये देखिए इसका कैप है। कैप निकालने के बाद 3-10 का बोल्ट दिया गया है नट, वो नट को खोल कर और इसका सॉकेट निकाल कर अब मिरर को आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। आपको एक पुट्टा उट्टा खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मिरर हमने बाहर ले लिया है, अब इसको हम थोड़ा छुट्टा करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है करके। देख सकते हैं फ्रेंड, इसका मोटर ओपन करने के लिए आपको इसका पूरा सॉकेट ओपन करना पड़ेगा। देखिए पूरा पिन बाहर निकालना पड़ेगा, बहुत मगजमारी है इसको ओपन करने के लिए, बहुत सारे चीज़ इसको खोलना पड़ेगा आपको मिरर ओपन करके उसका गियर डालने के लिए। मिरर का हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो देख सकते हैं हमारा मोटर है, इसके अंदर का गियर जो आता है वो स्लिप हो चुका है। हम आपको दिखाएंगे कौन सा गियर है वो, इसके लिए हमारा मिरर वर्किंग नहीं कर रहा था। देखिए गाइस, ये इसका गियर है जो हम इसमें रिप्लेस करने वाले हैं। देखिए इधर एक एक दाँत टूट चुका है, तो हम ये रिप्लेस करेंगे, जूना वाला है, नया वाला हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए किस तरह से पूरा गोल हो चुका है, ये साइड से देखिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये दोनों गियर हम इसमें रिप्लेस करेंगे। देखिए ये देखिए इसका नया वाला गियर है जो हम इसमें रिप्लेस करने वाले हैं। फ्रेंड, तो अब इसमें हम नया गियर डाल रहे हैं, नया गियर डालकर और मोटर को असेंबली करेंगे और उसका चेक करेंगे फिट करके। ये देखिए इसका नया गियर है फ्रेंड, ये देखिए गियर इसका टूट चुका है, ये देखिए यहाँ से। इसके लिए हमारा मोटर खाली जगह पे काम कर रहा था, उसे वर्क नहीं कर पा रहा था, देखिए यहाँ से टूट चुका है, इसके लिए हम पूरा मिरर नहीं घुमा पा रहा था, यहीं पर स्लिप मार रहा था जगह पर। देखिए दो पीस हो गया है, देखिए तो हमने इसमें गियर रिप्लेस किया है जो हमने आपको अभी दिखाया था नया वाला, तो हमने इसमें गियर रिप्लेस कर दिया है और मोटर को अभी असेंबली कर रहे हैं फिर से मिरर को, और असेंबली करके फिर आपको चेक करके फाइनल दिखाएंगे। देख सकते हैं इसका जूना वाला गियर इधर पड़ा हुआ है। तो हमने इसमें गियर रिप्लेस कर दिया है
अब जैसा हमने ओपन किया था उसी प्रकार से इसको फिटिंग करेंगे। अब फिटिंग करके मिरर को असेंबली करेंगे, फिर गाड़ी में लगा के चेक करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो हम इसको असेंबली करके फिर गाड़ी में लगा के आपको फिट करके दिखाते हैं। तो ये हमारा मिरर पूरी तरह से असेंबली हो चुका है। अब हम इसे डायरेक्ट थोड़ा चेक करेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके बाद हम गाड़ी में फिट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये चालू हो गया हमारा मिरर। हम बाहर इसको डायरेक्ट ही चेक कर रहे हैं, देखिए। अब इसको गाड़ी में हम लगाएंगे और फिट करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम इसको गाड़ी में लगाते हैं, फिट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारा मिरर असेंबली हो चुका है, ठीक है। हमने इसमें आपको बताया था कि इसका गियर हमने रिप्लेस किया है, देख सकते हैं ये वाला गियर यहाँ से टूट चुका था, ये देखिए दाता दाता यहाँ से दो अलग हो चुका था। इसके लिए हमारा गियर उधर स्लिप मार दे रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इसके लिए हमारा ये वर्किंग नहीं हो पा रहा था। तो अब हम इसको गाड़ी में फिट करते हैं और फिट करके अभी बस चेक करते हैं। तो अब हमने ये असेंबली कर दिया है, अब हम चेक करते हैं, ये देखिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं हमारा वर्क हो रहा है, देखिए दोनों साइड का साथ में हो रहा है, ये देखिए जो भी हमारा ओपन हो रहा है, ये भी हमारा ओपन हो रहा है, ये देखिए अभी ये भी क्लोज होगा तो वो भी क्लोज हो रहा है, देखिए ये भी क्लोज हो रहा है, वो भी क्लोज हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम इसका ये भी चेक कर लेते हैं, हमारा मिरर ये पहले राइट साइड कर लेते हैं, देखिए ये ऊपर की तरफ ये हमारा काम कर रहा है, ये राइट की तरफ, ये देखिए ये भी हमारा वर्क कर रहा है, ये लेफ्ट की तरफ, ये देखिए ये भी हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। ये भी हमारा बराबर है, और जो हमारा कंप्लेन था कि मिरर फोल्डिंग नहीं का, वो भी हमारा सॉल्व हो चुका है। मिरर अप डाउन नहीं हो रहा था, अंदर बाहर नहीं हो रहा था, ये देखिए अभी हमारा अंदर बाहर होने लगा। सिर्फ जैसे हम अंदर की तरफ इसको बटन दबाते थे तो खाली जगह पे गियर स्लिप मारता था, मोटर का आवाज़ आता था, ना मिरर अंदर होता था ना बाहर होता था। तो हमने इसका गियर का जो हमने दिखाया था दाता, वो हमने चेंज किया है, ठीक है फ्रेंड। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया था, मिरर का जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम इसको फाइनल कर देंगे, तीनों जो नट है हमने 10 का वो भी टाइट कर दिया है, इसका ऊपर का जो कवर है वो भी लगा देंगे। आज का हमारा ये वीडियो था कि बिना मिरर रिप्लेस किए उस प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करें। तो ये हमने बिना मिरर रिप्लेस किए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि इसका मिरर अंदर बाहर नहीं हो रहा था। हमने मिरर रिप्लेस नहीं किया है क्योंकि कस्टमर ने बोला था इसका कम खर्चे में काम कीजिए, तो हमने इसके लिए इसको रिपेयर किया है, ठीक है फ्रेंड। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।